भारत के लिए आज जनरल ओपेक में एक बहुत बड़ा दिन है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग मेडल पर निशाना साधेंगे। बिंद्रा इतिहास को दोहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 4 साल पहले बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अपनी तीसरी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे गगन नारंग भी हौसले को बुलंद कर बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम भारत के लिए एक गोल्ड तो जीत ही सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद, इंडिया का सबसे बड़ा दावा, एक जिसने भारत के लिए इकलौता एकल ओलंपिक गोल्ड जीता है, दूसरा जिसका फॉर्म दुनिया में सबको दहला रहा है, अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधेंगे। बीजिंग में इसी इवेंट में गोल्ड हासिल कर बिंद्रा ने इतिहास रचा था। वहीं अपने तीसरे ओलंपिक में हिस्सा ले रहे गगन नारंग ने दुनिया भर के मेडल जीते हैं। 2008 में विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया पर ओलंपिक पदक को तरसते रहे। इस दफा तस्वीर जुदा है। 11 खिलाड़ियों के साथ निशानेबाजों का सबसे बड़ा कंटिंजेंट लंदन पहुँचा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का ज्यादा अनुभव भी इन खिलाड़ियों के पास है। अब बस उस एक लम्हे की दरकार है जब अनुभव, प्रतिभा और मेहनत को किस्मत का साथ मिल जाता है। 30 जुलाई भारत के लिए इस ओलंपिक का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। एक ऐसा शूटर जो पहले गोल्ड मेडल ले चुका है और महानता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और दूसरा ऐसा जो कर सकता है लेकिन अब तक कर नहीं पाया है और बुरी तरीके से भूखा है। ये दोनों शूटर्स टॉप फॉर्म में है और दुनिया के तमाम शूटर्स इनसे खौफ खाते हैं। उम्मीद है कि अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग अपने इस खौफ को 2 मेडल में बदल कर रख देंगे। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ समीप राजगुरु, लंदन आज तक। और अब नजर डालते हैं रविवार को भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या क्या हुआ। रविवार को विजेंद्र सिंह की जीत के बाद जय भगवान भी 60 किलो वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने स्पेशल्स के बॉक्सर्स को 18-8 से हराया। रोइंग में भारत के स्वर्ण सिंह क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। वो सिंगल स्कॉलर्स रेंज में अव्वल है। बैडमिंटन में सानिया नेहवाल ने दमदार आगाज किया है और पहले राउंड का मैच महज 22 मिनट में अपने नाम पर कर लिया है, लेकिन सोमदेव देवबर्मन अपने वाइल्ड कार्ड का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल्स के पहले ही राउंड में हार गए। तीरंदाजी में भी भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा है और यहां पर एक तरह से अच्छी खबर नहीं है। और आने वाले मुकाबले क्या है तो जाहिर तौर पर आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं ये क्या क्या आने वाले हैं। 10 मीटर एयर राइफल्स में अभिनव और गगन बिंद्रा का आज मुकाबला है। भारत बनाम नीदरलैंड्स हॉकी में मुकाबला होगा। टेनिस में पेस और विष्णु का मिक्स्ड डबल्स है और टेनिस में भूपति और बोपन का मिक्स्ड डबल्स है। आर्चरी में महिला सिंगल्स मैच है जिसमें की उम्मीद है कि इसमें हम एक मेडल हासिल कर सकते हैं। और ये आपको हम अंक तालिका दिखा रहे हैं। टॉप 3 देश हैं चीन, जिसने अभी तक 6 गोल्ड के साथ कुल 12 मेडल जीते हैं। अमेरिका 3 गोल्ड के साथ 11 मेडल पर और इटली 2 गोल्ड के साथ 7 मेडल जीत चुका है। भारत हालांकि अभी अपना खाता नहीं खोल पाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय टीम भी अपना खाता खोलकर हम सबों को गौरवान्वित करेगी।